नाज़रीन आज जिहड़ी कहानी असीं तुहानूं सुनाउण चले हां इह ना ही सिर्फ असली है बल्कि इन्नी कु खतरनाक है जिहड़ी शायद तुहाडे रोंगटे खड़े कर देगी। इस कहानी 'च तुहानूं एक ऐसा सबक वेखण नूं मिलेगा जिहड़ा शायद तुसीं अपनी जिंदगी 'च कदी नहीं भुलोगे। एक रीयल लाइफ हीरो जिन्हें अपनी जिंदगी की ऐसी वड्डी गलती की जिहदी वजह तों उह एक वड्डी पसूड़ी 'च पै गया। रीयल लाइफ हीरो कौन सी ते उह गलती की सी, ये तुहानूं दस्सांगे अज दी इस खतरनाक किस्त विच। सत श्री अकाल ते अस्सलाम वालेकुम, मैं तुहाडा मेज़बान वसी अब्बास ते तुसी देख रहे हो इंडोज़ टीवी ऑस्ट्रेलिया। चार सितंबर 1986 मोंटाना यूएस दा एक कपल जिन्हां दा नाम डॉज वेल्स ते क्रिस्टन वेल्स सीगे अपने घर रात दे 11 बजे पहुंचदे ने ते वेखदे ने उन्हां दे घर दे बिल्कुल बाहर एक वैनिटी वैन पार्क सी। जदों डॉज वेल्स ने गड्डी चो बाहर आके उस वैनिटी वैन के करीब गया तो उन्हें क्रिस्टन नूं कहा तू अंदर जाके बिस्तर साफ कर, तो डॉज वेल्स खुद उस गड्डी दे अंदर झांकण लग गया ताकि देख सके इस गड्डी दे अंदर बंदा है कौन है। उस गड्डी दे अंदर एक ऐसा पुरसरार शख्स दिसिया जिहड़ा अपनी गड्डी की फ्रंट स्क्रीन ते सुत्ता होया सी। उन्हें लगा शायद कोई मुसाफिर है जिहड़ा थक के इन्हां दे बूहे गए गड्डी ला के सौण लग गया। इस गल नूं उन्हें खैरबाद कह के ते अंदर चला गया। अंदर जाके उहदी बीवी बिस्तर साफ कर रही सी ते उसे टाइम डॉज वेल्स नूं ख्याल आया कि कल ते कूड़े वाला आउण लगा है। उन्हें किचन चों अपने बाथरूम चों अपने कमरे चों हर जगह चों अपने घर चों कूड़ा चुक के ते घर दे बूहे अगे रखण जदों बाहर गया ते दरवाजा खोलदिआं उहदे गार्डन दे सामने उसे वैनिटी वैन चों एक बंदा बाहर निकलिआ जिहड़ा तुरदा तुरदा उहदे गार्डन दे विच खड़ो गिआ। उस चीज़ तों डर गिआ ते उहने उच्ची सारी कहा कि कौन है तूं, ये मेरी प्रॉपर्टी है। उस बंदे ने उसे टाइम हैंड्स अप कर लिया। हथ खड़े करन दी मुराद ए सीगी कि वह बंदा उन्हें कोई नुकसान पहुँचाने से आया ते दूसरी गल ए कि वह निहत्था सी। डॉज वेल्स ने जब उन्हें पूछा कि तू इत्थे की करन आया, उन्हें कहा मैं तेरी बीबी क्रिस्टन वेल्स के नाल फर्नीचर का कम करदा वां ते जो सवेरे वैनिटी मैन लैके मैं इत्थों लंघन डिया ते मैं एक बंदे नूं देखिया जिहड़ा काला लिबास पा के मूँह भी उन्हें ढकिया से अपना ते काली टोपी पा के तेरे घर के अंदर झांकण डिया सी। उन्हें कहा मैं उहदे पुरसरार लिबास की वजह तो मैं उन्हें पछाण तो नहीं सकता कि वह कौन सी, लेकिन जो मैं उन्हें आवाज़ मारी कि इतों चला जा तो उस टाइम दौड़ गया। उन्हें कहा मैंने पता सी क्रिस्टन का ही घर है तो मैं इतने अपनी वैनिटी वैन ला के रह गया ताकि वह बंदा दोबारा ना आए, लेकिन बदकिस्मती दे नाल जो तुसी आए उदो मेरी अख लग गई सी। उन्हें कहा मेरा नाम वैन नेथन नैनसे। डॉज लई गल इन्नी पुरसरार सी कि वह दोनों बंदिआं नूं जाणदा, ना ही वैनिटी वैन वाले बंदे नूं ते ना ही वह बंदे नूं जिहड़ा काला लिबास पा के उहदे घर झांकण डिआ सी। इसे लई उहदे लई एक गल दी यकीन करना भी मुश्किल सी, लेकिन जदों उहने गल कीती कि मैं क्रिस्टन दे नाल फर्नीचर दा कम करदा वां ते उहनूं इस गल ते थोड़ा जिहा यकीन हो गया ते उहनें अपनी बीवी को भी नहीं पुछिआ कि इह तेरे नाल ही कम करदा है कि नहीं। उन्हें उहदा शुक्रिया अदा कीता ते उन्हें कहा तू घर दे अंदर आ, आपां मिल के टॉर्च लभ लैंदे आ ताकि आपां घर दी चार दीवारी ते फिर के वेख लईए कि उह बंदा दुबारा ते नहीं इत्थे हैगा। इस तरीके दे नाल पहले डॉज घर दे अंदर अपना कदम रखता है ते उस तों बाद नैंस भी उस घर दे अंदर जांदा है, लेकिन कहानी इत्थे अपना नवां मोड़ लैंदी है। जदों डॉज अंदर गया ते नैंस ने पिछों दरवाज़ा ला के ते दरवाज़ा लॉक कर दिता ते अपने लक तों एक क्रोबार कढ़ के डॉज दे सिर दे उत्ते एक एड्डा खतरनाक हमला कीता कि डॉज दे सिर चों खून निकलन लग पिया। जदों उस क्रोबार दे हमले नाल डॉज मुड़िया ते उहने वेख्या कि क्रोबार नैंस दे हत्थ सी ते नैंस ने भी उही क्रोबार दुबारा उहदे मूँह दे उत्ते मार दिता। डॉज उत्थे ही डिग गया ते क्रिस्टन शोर नूं सुण के दौड़ी दौड़ी थल्ले आई ते उहने वेख्या कि उहदे खामद नूं एक पुलिसराज शख्स हमला करके जख्मी कर चुके है। उस बंदे ने जदों वेख लिया कि क्रिस्टन थल्ले आउण डई है उहने उसे टाइम अपनी बंदूक उहदे सिर ते ताणी ते उहने कहा जल्दी थल्ले आ के अपने खामद दे हथ पैर बन्ह दे नहीं ते उह खामद नूं ते उहनूं दोवां नूं मार देगा। इस गल नाल क्रिस्टन ने उहदे कोलों रस्सी फड़ी ते अपने खामद नूं बन्ह दिता ते उसे ही बंदे ने डॉज नूं फिर इन्ना मारिया कि लोहे दा क्रोबार भी टेढ़ा हो गया। इस तों बाद उह क्रिस्टन नूं फस्ट फ्लोर ते उहदे बैडरूम च वापस लै गया ते उहनूं भी उत्थे बन्ह दिता ते वापस आ के डॉज नूं घड़ीसदा होया सीढ़ियां तों थल्ले लै के जांदा उहनूं बेसमेंट च लै गया ते एक लक्कड़ दे पिलर दे नाल बन्ह दिता ते डॉज नूं इन्ने बुरे तरीके दे नाल उसे ही क्रोबार दे नाल मारिया कि उहदा पूरा जिसम लहू लहान हो गया। डॉज की हालत इन्नी खतरनाक हो गई सी कि डॉज सिर थले सुट के ये जाहिर करा चुका सी कि डॉज बेहोश हो गया है या फिर मर चुकी है। नैंस ने जदों इस गल की समझ आ गई तो नैंस सीधा गया फस्ट फ्लोर से उसकी बीवी के बैडरूम से उन्हें देखा
कि क्रिस्टन अपने कई रस्सियां नूं खोल चुकी सी ते सिद्धी फोन दी लैंडलाइन ते 911 ते कॉल करन लगी सी। लेकिन नैंस दी किस्मत एडी अच्छी सी कि नैंस ने उस टाइम क्रिस्टन नूं धक्का दे के लैंडलाइन दी तार कट दित्ती ते उन्हूं उत्थे ही मारन लग गया। फिर थले उन्हूं एक हल्का जिहा खड़ाक सुनिया। वह थले आया तो उन्हें वेख्या कि डॉज ते हजे भी बेहोश है। जो वापस जान दिया सी ते डॉज ने अपना सिर उत्ते कर दिता, यानी पता चल चुकिया सी कि डॉज हले भी जिंदा है। डॉज अपनी रस्सियां तक छुड़ा चुकिया सी ते जो नैंस उत्ते जा रहा सी, डॉज ने अपनी बंदूक कढ़ी, क्योंकि डॉज का काम भी यह सी। डॉज एक गनस्मिथ सी, उन्हें अपनी दनाली चुकी ते उहदे विच एक बुलेट पा के किस्मत ते रख दिता ते जाके बेसमेंट दे दरवाजे ते लुक गया। उन्हें एक ऐसी तरकीब खेडी कि कैसा खड़ाक करेगा जिहदी वजह तों नैंस नूं थले आउणा ही पवेगा। जिहदे विआह तों डॉज ने इदां ही कीता ते जदों नैंस थले आया ते उहदी हल्की जी झलक उहदे चाकू नाल उहनूं दिसी, उहने सिद्धी गोली नैंस दे ढिड विच मारी, जिहदे विआह तों नैंस थले डिग गया ते अपना ढिड फड़ के रोण लग पिया। हुण नैंस वी निहत्था नहीं सी, उहदे वी हथ विच इक रिवॉल्वर सी। जदों फायर करन लगा ते उसे टाइम ही डॉज ने अपनी दुनाली पुट्ठी करके लक्कड़ वाली साइड नाल नैंस नूं इन्ना बुरा मारिया कि उहदी लक्कड़ वाली साइड ही टुट गई ते नाले ही बंदूक दी नाली वी टेढ़ी हो गई। नैंस ने उस टाइम भी हार नहीं मनी ते डॉज दे उत्ते 3 गोलियां चलाईयां जिहड़ियां 2 जमीन ते लगियां ते 1 डॉज दे गिट्टे ते लगी। डॉज ने उस टाइम उहदे कोल रिवॉल्वर खोई ते उत्थे बचियां बाकी 3 गोलियां नैंस दे मत्थे ते लगियां। अद्धे घंटे बाद उत्थे पुलिस ते एंबूलेंस भी आ गई। उन्हां तिन्हां नूं हस्पताल लै के गए ते पता चलिया कि कपल ते बच चुकिया सी लेकिन नैंस मर चुकी। पुलिस ने जदों तफ्तीश कीती कि इह नैंस है कौन सी ते पता चलिया कि यह एक सीरियल किलर सी जिहदे उत्ते इस तो पहले भी 6 केस फाइल हो चुके सी ते नाले नाल ही यकीन किया जाता है कि इन्हें 100 तो बहुते लोगों नूं भी सूली ते चाड़ चुकिया सी। इस कहानी का तुहानूं एक अहम सबक मिलिया होएगा कि कदी भी किसी अनजाण शख्स नूं अपने कार दे अंदर नहीं लियाईदा ते जे वह आ भी जाए तो अपने हाथ च एक खतरनाक हथियार रखना बहुत जरूरी है जिहड़ा तुहाडे सैल्फ डिफेंस विच तुहाडी मदद करेगा। हुण इजाजत दिओ, देखते रहो इनडोर्स टीवी ऑस्ट्रेलिया।